हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक नई टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने एक पॉइंट चार्ज के वजह से निकाला, फिर टू पॉइंट चार्ज, फिर मल्टीपल चार्ज, ठीक है। तो ऐसे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमने निकाला वन पॉइंट से या टू पॉइंट से, फिर सिस्टम ऑफ द चार्ज से यानी मल्टीपल चार्ज की बात कर रहे थे। बेटा ऐसे ही अपना एक और टॉपिक आता है, वो है पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हो इसको या पोटेंशियल बोल सकते हो आप, कुछ भी ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी वहाँ अब एक से ज़्यादा चार्जेस होंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि दो चार्ज ले लेते हैं, एक चार्ज अपना Q1 है और एक चार्ज अपना Q2 है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको R12 बोल दिया गया है, R12 बोल दिया गया है। एक चीज़ अपने को नोट करना पड़ेगा बेटा, ये क्या, देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड, देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड वहां, यानी कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं होगा अगेंस्ट विच वर्क नीड टू बी डन, ठीक है। यानी काम जहाँ किया जा रहा है, जिस डायरेक्शन में जहाँ काम किया जा रहा है वहाँ कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, ताकि अपना वर्क डन की वैल्यू निकले। अगर एक्सटर्नल कोई फील्ड होगा तो अपना वर्क डन जो होगा वो इफेक्टेड होगा बेटा। तो पहली चीज़ हमको ये याद रखना है कि भाई पहला जो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, पहले हमको वर्क डन निकालना पड़ेगा ना एनर्जी, यानी अगर हमको कहीं बेटा एनर्जी निकालना है, किसी की एनर्जी को अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हम उससे वर्क करा लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ चार्ज को कहाँ से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू उस पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट, पॉइंट जो कि R1 वेक्टर पे दूरी पे है, ठीक है, यानी पहला पॉइंट। तो वहाँ जो इन्फिनिटी से वहाँ ले आने में जो वर्क डन लग रहा है, अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो वहाँ वर्क डन क्या होगा बेटा, वो ज़ीरो होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, एक्सटर्नल फील्ड इज़ ज़ीरो, वहाँ कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। तो बेटा यहाँ हम ये देख लेंगे कि ऐसे ही एंड वर्क इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, अब यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू कहाँ तक, R2 वेक्टर तक। तो वहाँ जो वर्क डन, जो दूसरा वर्क डन होगा वो क्या होगा, वो पोटेंशियल इनटू चार्ज, वर्क डन की वैल्यू होती पोटेंशियल इनटू चार्ज।
तो जो होगा वी वन और क्यू टू, वी वन क्यू टू। जैसे हम क्या देखते थे, एक फॉर्मूला था ना अपना, पोटेंशियल वैल्यू निकालना होता था तो वर्क डन अपॉन चार्ज लेते थे। तो यानी वर्क डन निकालना है तो पोटेंशियल इंटू चार्ज आ जाएगा, यानी ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो जो वी वन है बेटा, वी वन क्या है बेटा, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्यू वन की वजह से, ड्यू टू क्यू वन एट क्यू टू, क्यू वन की वजह से क्यू टू पे जो पोटेंशियल है उसको देखें क्या है, एट क्यू टू इज, उसकी बात कर लेते हैं। तो यानी W वर्क डन जो टू है उसमें हम क्या देखेंगे, के क्यू अपॉन आर होता था ना, तो यानी हम यहाँ इसको क्या करें, पूरा अच्छे से देख ले रहे हैं, ओपन कर ले, के की वैल्यू हम रख ले रहे हैं। तो के क्यू का वैल्यू क्या होगा, यानी क्यू वन अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट आर वन से लेकर के टू तक। तो यहाँ जो है इनटू क्यू टू, सिंस क्या वी वन की वैल्यू क्या होती है, क्यू वन अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट आर वन टू होता है। ठीक है, तो यानी अगर ये चीज़ अपने